हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम ये देख रहे हैं पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जुलाई 2022 में आप लोगों की लव लाइफ कैसे रहेगी, इसी को लेकर ये रीडिंग है। और ये रीडिंग सभी के लिए होगी जो सिंगल हैं, मैरिड कपल्स हैं या अगर किसी रिलेशनशिप में हैं, तो आप सभी के लिए यहाँ रीडिंग और मैसेजेस होंगे। यहाँ मैं कार्ड शफल करूँगी, आप चाहें तो कार्ड की शफलिंग को अवॉइड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट टाइम स्टैम्प्स पर जाकर रीडिंग को देख सकते हैं। फर्स्ट टैरो के साथ स्टार्ट करते हैं आपके लिए। ये कार्ड्स आए हैं आपके लिए और काफ़ी कुछ मैसेजेस हैं। फर्स्ट अगर टैरो डेक के साथ देखें आपके लिए रीडिंग, तो यहाँ कार्ड आया है फोर ऑफ सॉर्ड्स का। तो ऐसा लग रहा है आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं जैमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ, यानी मिथुन तुला और कुंभ उनकी राशियाँ हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हैं। फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बता रही कि आप काफ़ी परेशान चल रहे हैं, डिप्रेशन और एनजाइटी जैसा सिचुएशन अभी आपने फेस किया है या अभी भी इस फेज में हैं आप। इस तरह की सिचुएशन रही है कि आपका जो लव रिलेशनशिप है उसमें अप डाउन्स चल रहे हैं। बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी हो सकती है या काफ़ी आपने परेशानियां सहन की है रिश्ते में। और अगर आप सिंगल भी हैं तो काफ़ी चुनौतीपूर्ण जीवन देखा है और इस वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब चल रही है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है और काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज आपने अभी अभी फेस किया है, इस तरह की एनर्जीज है। पर यहाँ आप बैक में देख रहे हैं डिवाइन लाइट है इनके बैक में, तो आपके लिए ये सब जो सिचुएशन है वो टेम्प्रेरी है और एक फेज़ के बाद इन सब में आपके लिए चेंजेस आने वाला है। नेक्स्ट कार्ड भी आपके लिए आया है नाइन ऑफ सॉर्ड्स। डेफिनेटली फ्रेंड्स, आप में से काफ़ी लोगों का सेपरेशन हुआ है या फिर काफ़ी ख़राब हो सकता है रिलेशनशिप में आपने मोड़ देखा है और बहुत दुख परेशानियों से घिरे हुए आप हैं। और अगर आप सिंगल भी हैं तो काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज से अभी अभी गुजरे हैं पाइसिस, इस तरह की एनर्जीज है। साइन फिर से वही आए हैं जैमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला और कुंभ उनकी राशियाँ हो सकती है या उनमें वो क्वालिटीज़ हो सकती है जो इन लोगों में होती है। ये काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कहीं ना कहीं बातचीत बंद है या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अभी आपका चल रहा है और डिप्रेशन एनजाइटी जैसा सिचुएशन आपने अभी अभी फेस किया है या अभी भी रहे हैं आप। काफ़ी हिम्मत रखी है आपने और थोड़ा आप ऐसा लग रहा है कि लाइफ से आपका विश्वास उठता जा रहा है। आपको लग रहा है कि शायद चीज़ें फिर से वैसी नहीं हो पाएगी जैसी अभी तक थी, तो काफ़ी आप निराशाजनक स्थितियों में हैं। पर आपको ऐसा नहीं रहना चाहिए क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं कार्ड आया है के लिए द हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है। तो फ्रेंड्स, आपकी जीवन में चाहे कैसी भी चुनौतियां चल रही हो या रिलेशनशिप में अगर अप डाउन्स देख रहे हैं, थर्ड पार्टी है या कोई ख़राब आप लोगों ने अभी रिलेशनशिप में कोई फेज देखा है, तो उस सब से आपको मुक्ति मिलेगी क्योंकि यहाँ हाई प्रिस्टेस का कार्ड ये बता रहा है कि आपकी इनर वॉइस अगर आप सुनते हैं, गट फीलिंग्स को फॉलो करते हैं, इंट्यूशंस को अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो आप बेस्ट डिसीजंस ले पाएंगे और आपकी विजडम काफ़ी आपको बढ़ती हुई दिखेगी, स्पेशली जुलाई के मंथ में। और यहाँ आपको हाई प्रिस्टेस की तरह ट्रीटमेंट मिलने वाला है। इस स्ट्रगलिंग फेज से आप निकलने वाले हैं, इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। और आप में से कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि टीचर हैं, लेक्चरर हैं या हीलर हैं। और यहाँ आपको जुलाई का मंथ जो है वो आपकी पावर पोजीशन फिर से दिलवाने में कहीं ना कहीं हेल्प करने वाला है। इस तरह की पोजीशन में आप रहेंगे, आपके पार्टनर भी आपको रिस्पेक्टिव वे में ट्रीट करेंगे और जैसा अभी तक वो शायद नहीं कर पा रहे थे, आपको इतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा था, तो जर्नल लाइफ में भी आपको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। बहुत रिस्पेक्टफुल आप बन जाएंगे और आपकी विजडम जो है उसकी भी काफ़ी तारीफ होगी। ये हो सकता है कि आप थोड़ा सा सोशली कम मिलें जुलें लोगों से, इस तरह का हो सकता है, पर आप अपनी पर्सनल हीलिंग पे ध्यान देंगे और काफ़ी स्पिरिचुअल आप रहने वाले हैं पाइसिस इस मंथ में, इस तरह की एनर्जीज है। और यहाँ कार्ड आया है फाइव ऑफ कॉइन्स का। तो आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ, यानी वृषभ राशि, मकर राशि, कन्या राशि उनकी हो सकती है। और आप में से कुछ लोग ऐसा है कि सिंगल मदर हैं या सिंगल फादर हैं, यानी आप अभी सेपरेट हुए हैं या किसी तरह से आप अकेले ही पेरेंटिंग कर रहे हैं, या अगर आप सिंगल नहीं भी हैं तो सारी जिम्मेदारियों का बोझ आपके ऊपर डाल दिया गया है। स्पेशली सारा जो पारिवारिक जिम्मेदारी है वो आप अकेले ही निभा रहे हैं और काफ़ी स्ट्रगलिंग फेज़ आपने देखा है। फाइनेंशियली भी बहुत सारे मनी इश्यूज़ आपने देखे हैं,
पैसों से रिलेटेड भी काफ़ी समस्या आपने देखी है, पर आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हुए हैं, आपने अपना आत्मविश्वास नहीं खोया है, इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। आप चुनौतियों से घबराने नहीं वाले और स्पेशली फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर आप गिव अप नहीं करने वाले, यहाँ इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। हो सकता है मानसिक स्थिति आपकी शायद अभी परेशानियों भरी है, पर फिर भी आप जर्नल लाइफ में प्रैक्टिकली बहुत अपने लिए कह सकते हैं स्टैंड ले रहे हैं और हिम्मत नहीं हार रहे। जीवन की चुनौतियों में आप कहीं ना कहीं अपने आप का सर्वाइवर ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं पाइसिस, और ये आपके लिए बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन भी होगा। जैसा नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द एम्परर, तो ऐसा लग रहा है कि लव लाइफ में जो आपने चैलेंजेस फेस किए हैं वो आपके पार्टनर के फादर जो हैं शायद वो रिश्ते को लेकर रेडी नहीं है, या उनका डोमिनेशन बहुत है, कंट्रोल बहुत है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ख़राब हुआ हो सकता है, या आपके फादर रेडी नहीं थे। उनका डोमिनेंट नेचर यहाँ दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग एरीज एनर्जी के ये हैं, और काफ़ी लोगों के लिए लग रहा है कि लव लाइफ में फैमिली का इंटरफेयर भी बहुत है, इस वजह से कुछ परेशानियाँ हुई है आप लोगों के बीच में, इस तरह की भी एनर्जीज यहाँ दिख रही है। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है हैंग वूमन का कार्ड आया है, तो पाइसिस आपकी रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है, ये आप ही को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा लग रहा है कि अभी आपने सब कुछ गॉड पे सरेंडर किया है, और ये आपके लिए बेस्ट कॉज ऑफ एक्शन भी होगा कि आप अभी सब कुछ भगवान पे सरेंडर करें, और आपने ऐसा ही किया है, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के लिए आपने छोड़ दिया है भगवान पे, और अभी आप रिश्ते को लेकर कुछ ज़्यादा रश नहीं कर रहे और अपनी कह सकते हैं हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं और अपना बैलेंस आप बनाए हुए हैं, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस सिचुएशन को फेस करना इजी नहीं था, पर फिर भी आप काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ इस सिचुएशन को हैंडल करे हुए हैं। और यहाँ आप में से कुछ लोग जो हैं वो क्रिएटिव वर्क करने वाले हो सकते हैं, जैसे यूट्यूबर हैं या सिंगर डांसर राइटर हैं, पेंटर हैं, आर्किटेक्चर हैं, इस तरह की एनर्जीज़ हैं। और आपके पार्टनर जो हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि अभी आप नॉन एक्शन मोड पे हैं, शायद अभी कुछ फिजिकल लेवल पे आप उनसे मिलना नहीं चाह रहे, बात नहीं करना चाह रहे, आपकी एनर्जीज़ ऐसी है कि अभी आप सेल्फ हीलिंग पे ध्यान दे रहे हैं, तो वो भी इस चीज़ को समझ पा रहे हैं जुलाई के मंथ में कि अभी आप अपनी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने आप पे थोड़ा फोकस करते हुए दिख रहे हैं जुलाई के मंथ में, एनर्जीज इस तरह की है, और पास्ट हर्ट से दूर होते हुए भी नज़र आ रहे हैं, स्पेशली जुलाई के मिड में आप सिचुएशंस काफ़ी हद तक हैंडल कर लेंगे पाइसिस। और यहाँ फेरीज की तरफ से कार्ड देखें तो यहाँ कार्ड आया है स्ट्रेंथ का, और 11 नंबर है, तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आप जिस स्ट्रेंथ को पाना चाह रहे थे वो स्ट्रेंथ आपको मिलेगी, वो हिम्मत आप में आ जाएगी, और काफ़ी आप कह सकते हैं आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने वाले हैं जुलाई के मंथ में। और यहाँ जो मैसेज है, द ग्रेस एंड इनर स्ट्रेंथ नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस, द पावर ऑफ काइंडनेस एंड फॉरगिवनेस, टाइम टू एम्ब्रेस हाउ वंडरफुल यू आर। जी, आप अपनी वैल्यू भी समझने वाले हैं, काफ़ी हिम्मत आएगी आप में और सही डिसीजंस लेने की, और अपने जीवन के जितने भी चैलेंजेस हैं उनको आप बहुत आसानी से हैंडल कर लेंगे। और यहाँ आप देख रहे हैं लायन स्पिरिट है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में हों किसी लियो के साथ, या हो सकता है जो सिंगल हैं उनके लिए इस तरह का मैरिज प्रपोजल आए या फ्रेंडशिप आए जो लियो हों, और ये सिंह राशि के पर्सन जो हैं वो आपको काफ़ी स्ट्रेंथफुल बनाने में हेल्प करने वाले हैं। इनका साथ आपको बहुत कॉन्फिडेंस देगा, हैप्पीनेस देगा, और अपने कैरियर पाथ और लाइफ पाथ में भी आगे बढ़ने में हेल्प करेगा, ऐसा लग रहा है। और नेक्स्ट कार्ड आया है सेवन ऑफ विंटर का, और जो मैसेज है, देयर इज़ अ बेटर चॉइस, नॉट सीइंग थिंग्स क्लियरली, रनिंग अवे फ्रॉम द ट्रूथ। फेरीज यहाँ आपको कह रहे हैं कि सच्चाई का सामना करें फ्रेंड्स, हो सकता है थोड़ा सा आपने अभी कुछ चैलेंजिंग टाइम देखा है, कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि पाइसिस आपके पार्टनर ट्रस्टवर्थी नहीं है, विश्वास के लायक नहीं है, तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा माने और आपके लिए बहुत बेटर पर्सन आ सकते हैं। यहाँ फेरीज आपके लिए कह रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो आप दोबारा कंसिडर करें, अगर वो विश्वास के लायक नहीं है तो उन पर फिर से भरोसा ना करें। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है क्वीन ऑफ विंटर का, और जो मैसेज है, स्ट्रॉन्ग पेशेंस, सेल्फ सफिशिएंट, फनी, इस तरह के पर्सन आपके लिए आ सकते हैं जो काफ़ी खुश मिजाज हैं और बहुत ही खूबसूरत होंगे ये, और गर्ल्स बॉयज दोनों के लिए ऐसा हो सकता है, और ये इनसे आपकी फ्रेंडशिप हो सकती है या मैरिज प्रपोजल के थ्रू भी आ सकते हैं। और यहाँ जो मैसेज है, लेट गो ऑफ पीपल और थिंग्स दैट नो लॉन्गर सर्व यू, नाउ इज़ द टाइम टू फोकस ऑन योर कैरियर, अनमैरिड और डिवोर्स इंडिविजुअल्स। जी, आप में से कुछ लोगों का हो सकता है अभी रिसेंटली डिवोर्स हुआ है, और अब आप अपनी हैप्पीनेस के लिए काम करने वाले हैं, कैरियर में भी आप एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ फेरीज आपको कह रहे हैं कि अगर आप सिंगल भी हैं या किसी तरह से सिंगल रह गए हैं या डिवोर्स हुआ है आपका, तो भी आपके लिए लाइफ में काफ़ी सारी खुशियाँ वेट कर रही है, अपने कैरियर के ऊपर फोकस करें, आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी, और
आपके लिए ऐसा ही मैसेज है। और जो चैलेंजेस थे वो आपकी लाइफ से अब जा चुके हैं या जाने वाले हैं, तो आप अपने आप पे फोकस करते हुए दिखेंगे। काफ़ी कह सकते हैं लाइफ को जीने के लिए आप बहुत अपनी तरफ से भी काफ़ी एफर्ट करने वाले हैं। पाइसिस अपनी दुख परेशानी से जो आपने अभी तक देखा है उससे बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है सिक्स ऑफ समर का। सिक्स ऑफ समर का कार्ड है और जो मैसेज है, चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, द रिटर्न ऑफ पीपल और रोमांस फ्रॉम योर पास्ट, रिमेम्बरिंग इवेंट डिफरेंटली इन अ बेटर और वर्स लाइट देन हाउ दे रियली अकर्ड। जी, हो सकता है आप अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलें, ये आपके नेबर रहे हो सकते हैं, इनके साथ आपकी कुछ मेमोरीज थी, आपने साथ में स्कूलिंग की हो सकती है, उनसे फिर से आपका कनेक्शन बनेगा जुलाई के मंथ में और ये फ्रेंडशिप जो है फिर से रीबिल्ट हो सकती है और उनके साथ आप काफ़ी हैप्पीनेस फील करेंगे। जो पुराने आपने लम्हे बिताए थे उनके साथ, अच्छे बुरी यादें, उन सबको आप याद करके काफ़ी खुश होने वाले हैं और ये चीज़ आपको अंदर से बहुत खुशी देने वाली है। इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। तो कोई फ्रेंड आपको फिर से मिले इस मंथ में, जो आपके बहुत पुराने फ्रेंड रहे हों उनसे फिर से कनेक्शन आपका बनता हुआ दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए एनर्जी ओरेकल डेक से आया है, हीलर ऑफ द एजेस का। तो हीलिंग के भी काफ़ी मौके यूनिवर्स ला रहा है आपके लिए। अगर आपने कोई परेशानी देखी है तो उससे आप हील होता हुआ अनुभव करेंगे इस मंथ में। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है आर्कएंजल, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल आए हैं। तो यहाँ ऐसा लग रहा है आपका फर्स्ट चक्र बैलेंस में आएगा जुलाई के मंथ में, काफ़ी सेफ और सिक्योर आप फील कर पाएंगे। और 35 नंबर आया है, 3 + 5 = 8 होता है, तो जस्टिस भी आपको यूनिवर्स देगा। और यहाँ कार्ड आया है वुमन होल्डिंग ए हार्ट, तो इस तरह की कोई गर्ल या बॉय आपकी लाइफ में आ सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ये काफ़ी लविंग, केयरिंग और रोमांटिक पर्सन होंगे और इनके साथ आपको एक मिलते ही एक डीप इंटीमेट कनेक्शन फील होगा। इस तरह के पर्सन होंगे और एक कह सकते हैं ये पर्सन जो है एक लव प्रपोजल आपके लिए डेफिनेटली आता हुआ दिख रहा है और ये न्यू प्रपोजल हो इसकी काफ़ी चांसेस हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर भी काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि पुराने इश्यूज़ को भुला कर एक न्यू रोमांटिक वे में स्टार्टिंग करते हुए दिख रहे हैं। काफ़ी हार्ट टू हार्ट कनेक्शन आपका बढ़ने वाला है। और यहाँ 44 मास्टर नंबर आया है, तो आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, ऐसा भी मैसेज है। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है इनवे का। तो फ्रेंड्स, हो सकता है आपसे कुछ लोग जैलस हैं, बहुत आपसे कह सकते हैं जैलस रखते हैं और वो ड्रामा क्रिएट करते हुए आ रहे हैं। पर यहाँ आप देख रहे हैं इन लेडी ने ब्लैक ड्रेस पहना है और यहाँ गोल्डन पैलेस है, तो हो सकता है आपकी खुशियों को देखकर थोड़ा लोग आपसे जैलस हैं। पर यहाँ आपके लिए नेक्स्ट कार्ड आया है सेकेंड चक्र आर्कएंजल एरियल। तो चाहे कितने भी लोग आपसे जेलस हों, आर्कएंजल्स की काफ़ी ब्लेसिंग्स हैं, जैसा फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल और सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल आपके लिए आए हैं, तो आप डिवाइनली काफ़ी गाइडेड और प्रोटेक्टेड हैं। जो भी आपका रिलीजन है उनके अकॉर्डिंग प्रेयर करते रहें, प्रार्थना करें, दुआएं करें, आप बहुत प्रोटेक्टेड रहेंगे और उनकी नेगेटिविटी आपको कहीं से भी इफेक्ट नहीं डालने वाली। और सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल ये बता रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जैसा फिजिकल डिस्टेंस है, जैसा कुछ लोग मिल नहीं पा रहे, नो कॉन्टेक्ट है या बातचीत बंद है, तो आपकी फिर से बातचीत स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि आर्कएंजल एरियल ये बता रहे हैं कि आप लोगों का फिजिकल डिस्टेंस खत्म होगा और एक इंटीमेट कनेक्शन आपका फिर से स्टार्ट हो सकता है। और सेकेंड चक्र आपका बैलेंस में आएगा और जितने भी ऑब्स्टिकल्स हैं सेकेंड चक्र से रिलेटेड वो आपके ख़त्म हो जाएंगे और इस वजह से फिजिकल डिस्टेंस भी आप लोगों का ख़त्म होगा और फिर से यूनाइट आप लोग होने वाले हैं। जैसा आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम्स हैं, जैसा 44 नंबर भी आया था आपके लिए, तो आर्कएंजल एरियल की ब्लेसिंग से आपके लिए ऐसा हो सकता है कि ऑशो जैन कार से। तो फर्स्ट कार आया है टर्निंग इन का, तो यहाँ ऐसा लग रहा है आप अपनी हीलिंग पे काफ़ी ध्यान देने वाले हैं। यहाँ आप देख रहे हैं बैक में काफ़ी हॉरिबल पिक्चर्स बने हैं, तो ये आपके जो अनफाउंडेड फियर्स हैं और आपके जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब से निजात पाने के लिए आपको योगा और मेडिटेशन यहाँ सजेस्टेड होगा। जितनी भी ओवर थिंकिंग, एंजाइटी और डिप्रेशन है उससे बचने के लिए आपको यहाँ योगा और मेडिटेशन सजेस्टेड होगा, ताकि आप अपनी इनर वॉइस सुन सकें। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है द रिबल, पर ये रिवर्स में आया है, तो ये आपके लिए सपोर्टिव कार्ड बन गया है, चैलेंजिंग कार्ड नहीं है। तो हो सकता है पाइसिस अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे किसी पर्सन की सच्चाई जो थे उससे आप वाकिफ़ नहीं थे, तो इस मंथ के आते तक आप काफ़ी हद तक उनकी सच्चाई को जान जाएंगे कि ये आपके लिए सही इंसान है भी या नहीं है। तो आप द्विधा की स्थिति से बाहर आ जाएंगे और
जो भी आपके अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहा था उससे आप निजात पाने वाले हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है पाइसिस, आप अपने पार्टनर के बारे में काफ़ी हद तक सच जान पाएंगे और सही डिसीजंस ले पाएंगे, और अगर ऑन ऑफ सिचुएशन था तो वो भी आपके लिए ख़त्म हो जाएगा। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आया है मेच्योरिटी का, तो आपके पार्टनर जो हैं वो भी काफ़ी मेच्योरिटी के साथ बिहेव करने वाले हैं, इस तरह की एनर्जीज यहाँ दिख रही है। और नेक्स्ट कार्ड आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है एक्सपीरियंसिंग का, तो ऐसा लग रहा है पाइसिस सिर्फ आपकी लव लाइफ ही इम्प्रूव नहीं होगी या उसमें ही चैलेंजेस ख़त्म नहीं होंगे, बल्कि आप अपनी जो डे टू डे लाइफ है उसमें भी काफ़ी खुशियाँ ढूंढने वाले हैं, अपनी लाइफ को काफ़ी प्लान करने वाले हैं और हर चीज़ में आप खुशी ढूंढेंगे और बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस आप अपने लाइफ के लेने वाले हैं जुलाई मंथ में। कुछ लोग नया कुछ स्टार्ट कर सकते हैं और ये नई स्टार्टिंग कैरियर में भी हो सकती है, बिगनिंग भी आपके लिए होने वाली है जुलाई के मंथ में, इस तरह की एनर्जीज है। नंबर 3 आया है तो अबंडेंस भी काफ़ी रहेगा आपकी लाइफ में जुलाई मंथ में, और जो फाइनेंशियल क्राइसिस आपने देखा था उससे आप दूर हो जाएंगे जुलाई मंथ में। वहीं हम देख रहे हैं जो पाइसिस सिंगल हैं उनके लिए जो पर्सन आ सकते हैं उनके इनिशियल्स, जोडियक साइन और आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे ये भी हम देख रहे हैं। उनके इनिशियल्स अगर हम देखें जो आपसे कनेक्ट हो सकते हैं, टी नाम से हो सकता है उनका नाम, क्यू नाम से हो सकता है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, पी नाम से भी आपके पार्टनर हो सकते हैं, एम नाम से भी उनका नाम स्टार्ट हो सकता है जो आपके पार्टनर हैं या हो सकते हैं, सी नाम से भी हो सकता है, एस नाम से भी हो सकता है उनका नाम। और उनकी राशि अगर हम देखें जो आपसे कनेक्टेड हैं या हो सकते हैं, जैमिनी हो सकते हैं मिथुन राशि के, एक्वेरियस हो सकते हैं कुंभ राशि के हो सकते हैं आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए एरीज यानी मेष राशि के, पाइसिस के लिए पाइसिस वो भी आप ही की तरह मीन राशि के हैं, और कुछ लोगों के लिए वो कैंसर हैं यानी कर्क राशि के हैं। और वहीं आपके पार्टनर इस मंथ में आपको क्या मैसेज देना चाहेंगे, इवन दो आई डोंट शो इट आई एम सॉरी फॉर हाउ थिंग्स वेंट बिटवीन अस, जी वो आपसे सॉरी कह रहे हैं और आप लोगों के बीच में शायद कुछ चीज़ें ठीक नहीं चली उस चीज़ को लेकर, आर यू हैप्पी विदाउट मी वो आपसे पूछ रहे हैं कि क्या आप उनके बिना खुश हैं, इट्स हार्ड फॉर मी टू ओपन अप एंड आई हैव एंगर इश्यूज सो प्लीज़ गिव मी सम टाइम, जी उनको ओपन अप होने में थोड़ा टाइम लगता है और उन्हें गुस्सा भी थोड़ा ज़्यादा आता है, तो वो आपसे इस चीज़ के लिए थोड़ा समय मांग रहे हैं और सॉरी भी फील कर रहे हैं। लव एट फर्स्ट साइट, तो फ्रेंड्स आपके लिए ऐसा हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ऐसा हो चुका है, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि आपसे उन्हें पहली ही नज़र में प्यार हो गया था, और कुछ लोगों के लिए ये इस मंथ में हो सकता है। आई वॉन्ट दिस यूनियन एंड यू, जी वो आपका साथ चाहते हैं और पूछ भी रहे हैं कि क्या आप उनका साथ चाहते हैं, एक और मैसेज ले रहे हैं, यू कैन लिसन टू मी विद स्माइल, जी ये भी आपके लिए मैसेज है। तो आप लोगों के लिए यही मैसेजेस थे और यही रीडिंग थी, अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए हैप्पी मंथ पाइसिस।